आज हम इंडस वैली के ऊपर ही अपना टॉपिक कवर करेंगे। कल हमने बात की थी इंडस वैली के टाइम पीरियड एरिया और हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिससे हमने इंडस वैली के ऊपर काम करना शुरू किया। आज हम बात करेंगे, कल हमने जो बात किया था हम उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। कल हमारी बात थी टाइम पीरियड को लेकर के, साथ ही एरिया। इसको बार बार रिपीट इसलिए किया जाएगा कि जब हम चाहे सोशल कंडीशन करें, पॉलिटिकल कंडीशन करें, इकोनॉमिक कंडीशन करें, रिलीजन करें, तो वो भी हमें बार बार इसलिए रिपीट होगा कि इसका कोई रिटर्न तो है नहीं कि हाँ हमने पढ़ लिया कि हमें कौन कौन से सोर्सेज कहाँ मिले, कि पर हमने थोड़ा रिसर्च किया और थोड़ा उन इकट्ठा किया, इंटरलेट किया, तब एक मोटा मोटा आइडिया लगाते हैं कि शायद ये हुआ होगा। इसलिए ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। तो पहले यहाँ पे क्या बात था, इसको हमने तीन भागों में बांटा था। कौन कौन से पार्ट थे वो? प्री, क्योंकि इंडस वैली जब भी हमने जहाँ भी हमने देखा खोज की हमें एक डेवलप दिख रहा है, मतलब पूरी विकसित सभ्यता ही दिखती है। कहीं भी ऐसा नहीं दिखता है कि हाँ गाँव हुआ होगा क्या, एक कहीं भी हमने जो जो हमने जगह देखी है वहाँ पर हमें डेवलप्ड ही दिखा। तब हमने इसको तीन भागों में बांटा। तब हमने तो हमें साक्ष्य मिले, फॉसिल्स मिले, उसके अकॉर्डिंग जब हमने उसको देखा कार्बन 14 रेटिंग्स कि उनका टाइम पीरियड अलग अलग, इसलिए हमने इस भागों में बांटा प्री हड़प्पा, शोर हड़प्पा और लेटर हड़प्पा। ठीक है, हमने बात किया कि प्री हड़प्पा। अब फिर कल हमने क्या बात किया कि हड़प्पा कहाँ कहाँ थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। प्री हड़प्पा कहाँ मिलता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मैच्योर हड़प्पा कहाँ मिलती है? इंडिया। कल हमने इसके ऊपर चर्चा की। फिर हमने देखा हमारे पास हमें क्या क्या कौन कौन से सोर्सेज हैं कि जिनसे हमें यहाँ की कंडीशन का पता चले कि ये एक सभ्यता, तो क्या क्या पॉइंट हो, पॉटरी मिल, पेंटिंग, स्टील्स, और क्या मिला, बीड्स, और क्या मिला, कपड़े का टुकड़ा, क्लॉथ, और क्या मिला, मेजरमेंट पार्ट मेरे, और क्या मिला। तो हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं, हम बात नहीं करेंगे तो हमारा टॉपिक कवर कैसे होगा। हमारे पास पहली बात इस वैली इसलिए बार बार पढ़ा जाता है कि यहाँ से सभ्यता की बात हो रही है, हम पढ़ रहे हैं उस और उसके बारे में कुछ लिखा हुआ। तीसरी बात क्या मिली और क्या क्या मिला, का मतलब कि कोई एक लैंग्वेज तो होगी, ज्वेलरी मिली, और क्या मिला, पॉटरी में सब आ गया, और क्या मिला, खिलौने मिले, और क्या मिला, हमने ऐसे देखा कि हमारे पास एक कलेक्शन इकट्ठा किया और कलेक्शन में हमने देखा कि ये मिली हैं, तो ये एक सभ्यता के लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ें मिल गई। तो हमने क्या देखा कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड भी मिला है, हमें मेसोपोटामिया में यहाँ की मोहरे वहाँ मिली और वहाँ की वहाँ मिली, तो एक जो इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए वो भी है।
अब आती है बात, तो हमारे पास कुछ कुछ चीजें इकट्ठी हैं, उस जो हमारे पास सोर्सेस है, तो अब हमारे पास डाटा, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं सबसे पहले आज की पॉलिटिकल कंडीशन। क्या कहती है हड़प्पा की पॉलिटिकल कंडीशन? हाँ, हमें अन्नागार मिला, स्नानागार मिला, हड़प्पा से क्या मिला है? और अन्नागार मिला है और क्या मिला है मोहन? और क्या मिला? हमने देखा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही नगर ब्रिटिला और निचले टीले पर बने हुए। अब इसका मतलब क्या निकालेंगे? तो इससे हम एक आइडिया निकालते हैं कि ये ऊपरी टीला है, ये निचली टीला है। निचले टीला में हम बहुत सारे छोटे छोटे मकान टीले हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम एक देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और मोहन तो विश्व में सबसे अनोखी सभ्यता है कि यहाँ पर समानता में डिजाइन करके मकान बनाए गए थे। हाँ जी, कुछ मकानों में, कुछ घरों में हमें 4 कमरे, कुछ घरों में 5 कमरे, कोई घर हमें 2 मंजिला मिलता है और किसी में 2 कमरे ही मिलते हैं। और ऐसा स्ट्रक्चर देख कर के लगता है कि समाज में एक तो परिवर्ग होगा और एक, तो अब हम देखते हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता है, ट्रेड भी है, इंटरनेट ट्रेड भी है और अपने आप में भी डेवलप्ड सभ्यता है, तो कोई ना कोई तो उसको लीड कर रहा होगा। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट ये आ जाता है कि कोई हमें ऐसा पॉइंट मिला ही नहीं, कोई ऐसा संकेत या साक्ष्य मिला ही नहीं कि कोई उसे लीड कर रहा, क्योंकि अभी तक हमें जो भी साक्ष्य मिले हैं वो पॉटरी के मिले हैं, वो सील्स के मिले, लेकिन किसी भी सील्स पर हमें कोई ऐसी स्टैंप नहीं मिली है कि जिससे कोई उसके ऊपर रूल कर रहा होगा। तो अब यहाँ पर बात आती है कि शायद हमारे पास साक्ष्य नहीं, साक्ष्यों के अनुमान के बिना हम कोई भी बात कहना ये मुश्किल है। तो शायद यहाँ पर प्रजातंत्र भी हो सकता है, लोगों का ही राज, राजतंत्र भी हो सकता है, और तीसरा यहाँ पर पे गणतंत्र। ये 3 तरीके की ही प्रणालियाँ उस टाइम में आसपास की सब दिखती, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में नहीं दी। तो हड़प्पा सभ्यता में हम एक बात निकालते हैं, शायद यहाँ रोहित वर्ग, यहाँ पे मध्यम टाइप के मीडियम फैमिलीज भी रहती हूँ, व्यापारी हूँ, शिल्पकार होंगे, किसान खेती के करने के साक्ष्य हमें, बर्तन बनाने वाले का भी मिल रहा है, कूलर भी मिल रहे हैं। हमें इस तरीके के सब प्रकार के धातु के तार बनाने वाले ये एक मीडियम आते हैं। तीसरा वर्ग कौन हो? मजदूर। हड़प्पा सभ्यता में ये चीजें देखते हैं, इत वर्ग। हाँ, क्योंकि तो यहाँ पे हमें ऐसी कोई सील नहीं मिली, या तो लोगों का ही शासन होगा, क्या कोई व्यापारी वर्ग ही उसको डील कर रहा है, लेकिन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि कोई एक उसको लीड ना करे, ऐसी कोई भी गवर्नमेंट बनी नहीं। आप अगर घर की भी फैमिली चलाओ तो उसमें भी एक आपको पाथ मेकर होगा, आपको दिखाएगा आपके लिए, मतलब कि आपको आगे के रास्ते बनाएगा, प्लानिंग करेगा, बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब आती है दूसरी बात, सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन कैसी है? हमें मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा मिला, इसका मतलब ये लोग कपड़ा पहनते थे, और मोहनजोदड़ो से जो हमें सूती कपड़ा मिला है वो लाल रंग का है, कलर भी हमें मिले हैं। दूसरी बात, हड़प्पा से हमें जितनी भी मूर्तियां मिली या चित्रकला में जो ज्यादातर हमारी की फोटोज, तो उससे हम एक आइडिया निकालते हैं
सोसाइटी है फीमेल डोमिनेट, क्लियर। के बाद हमने क्या देखा है, समाज कैसा था, कल भी बात की थी, क्या क्या दिखा हमें, कार में आभूषण क्या हमें मिला है, चंदोड़ों से हमें क्या मिला है, हमें कारखाना रोसार हर से हम और क्या मिलता है, तांबे का हंसे की, तो इसका मतलब ये अपने आप में डेवलप था। और क्या मिलता है हमें, खान पान जब सभ्यता शुरू, पहले की भी जो दोनों ही शायद ये सभ्यता आसार। और क्या देखें, बस्तर में हमने, बार में हमने की स्थिति हमने दी, और क्या देखेंगे, तो दोस्त तो हमें मिली किसी पर पक्षी का चित्र, चौथल से जो या मटका है एक पर कौवे का चित्र, और मोहन चौदड़ो से जो पशुपति महादेव की मिली है पर सिंह बाघ हिरण और सांड का, और चौदड़ो से कब्र में अस्थियों के साथ एक एक वो, अब हम समझ तो कैसे करते थे, शिकार भी खेलते थे, शिकार करते पासा भी खेलते थे, पशु पक्षियों की लड़ाइयां कराते हैं करते थे, जैसे हमें दिखते हैं। तीसरा, हमें चौदड़ों से ही नृत्य डांस करती हुई एक इसका और से नीचे की जो पटरी है, आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी हो कि कहाँ हॉर्स है। तो जैसे हम डॉग की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे तो दाएं तरफ सांड है, बाएं तरफ शेर है, ये दो हिरन, ये सब दाएं बाएं ये सब याद रखना है, बहुत कम। हाँ जी हाँ जी, हाँ वो तो उससे अभी हम रिलीजन में आएंगे तो मैं इसका डिटेल वहां दूंगी। अभी हम बात करते हैं कैसे अपना एंटरटेन करते थे, तो खिलौने मिले, पासे के निशान मिले, शिकार भी करते हों, और जो हमें तस्वीरों का लगता है कि ये लोग पशु पक्षियों की लड़ाइयाँ कराते हैं वो भी कर पाते, ठीक है। अब आती है बात रिलीजन, तो रिलीजन के बारे में कहना तो वैसे ही बहुत टफ है क्योंकि हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी के तौर पर साक्ष्य मिल कर रहे हैं। पहला साक्ष्य है जल पूजा, तो मोहन जोदड़ो से स्नानागार मिला है, उससे हमें साक्ष्य मिला है कि ये जल पूजा के लिए ही यूज होगा। दूसरी बात हमें मिलती है अग्नि की, अग्नि पूजा होती है काली बंगन में, हमें क्या साक्ष्य मिला है, कुंड के यज्ञ हवन और राख के साक्ष्य, तो उससे हमें एक साक्ष्य मिलता है कि अग्नि पूजा की होगी। तीसरी बात है वृक्षों की, हमें लोथल से और मोहनजोदड़ो और रंगपुर से कुछ गांव पर कुछ मतों पर ऐसी साक्ष्य मिलती पीपल का पत्ते का निशान, केले के पत्ते का निशान, खजूर का निशान और ताड़ के वृक्ष, तो वृक्षों की पूजा का साक्ष्य मिलता है
कि इन्होंने अगर ये मोहरों पर लगाया तो ये हम नहीं कह सकते कि इसका क्या मतलब होगा, लेकिन हम उसको